गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट. टुडे आई एम हियर टू टीच यू द सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर. आज हम इस वीडियो में इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर नंबर 16 रीड करेंगे. चैप्टर नंबर 16 जो है हमारा लास्ट चैप्टर है इंग्लिश फर्स्ट का. लास्ट चैप्टर हमारा जो है वो है पोयम, कविता है. तो हम ओपन करेंगे पेज नंबर 89. पोयम नेम है एन एप्पल यानी कि सेब. तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, चैप्टर के एंड में जो भी वर्ड मीनिंग है वो आप राइट करेंगे अपने इंग्लिश फर्स्ट की नोटबुक में. ये आपका होमवर्क है. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम. इन दिस पोयम द पोएट टेल्स द रीडर हाउ एन एप्पल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. इस पोयम में हम क्या रीड करेंगे कि जो पोएट है वो हमें बता रहा है इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्या महत्वपूर्ण है? एप्पल. एप्पल जो है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. और कैसे ये इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे. यू विल सी मी जस्ट लाइक अ बॉल स्टार्ट फाइंडिंग मी इन द ट्री स्टॉल. जैसा कि तुम मुझे देखोगे बिल्कुल जस्ट लाइक अ बॉल, बिल्कुल एक गेंद की तरह. जो पोएट है वो बोल रहा है कि तुम मुझे देखोगे तो मैं तुम्हें कैसा दिखूंगा, लाइक अ बॉल, एक गेंद की तरह दिखूंगा. स्टार्ट फाइंडिंग मी इन द ट्री स्टॉल. और मुझे ढूंढना, तुम मुझे ढूंढना शुरू करोगे कहाँ? ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर. टॉल ट्रीज यानी कि लंबे और ऊंचे पेड़ों को हम टॉल ट्रीज बोलते हैं. तो तुम स्टार्ट फाइंडिंग, फाइंडिंग यानी कि ढूंढना, तुम मुझे ढूंढोगे कहाँ? बड़ी बड़ी पेड़ों की डालियों पर या पेड़ों पर. द ट्री स्टॉल. यू विल बी हेल्दी इन लाइफ योर ऑल. तुम हमेशा हेल्दी यानी कि स्वस्थ रहोगे तुम्हारे जीवन में जब तुम मुझे खाओगे. इन द मॉर्निंग ईट मी थिंक नॉट मी स्मॉल. और रोज सुबह तुम मुझे जब खाओगे तो तुम अपने जीवन में स्वस्थ रहोगे. क्या रहोगे? हेल्दी यानी कि स्वस्थ. अपने जीवन में स्वस्थ रहोगे जब तुम मुझे रोज मॉर्निंग में खाओगे. थिंक नॉट मी स्मॉल. और मुझे छोटा मत समझो. You found me, ओ child small. तुम मुझे ढूंढ पाए, तुम मुझे छोटा मत समझो ओ छोटे बच्चे. Whenever you see an apple, you call. जब भी तुम मुझे देखते हो तब तुम मुझे क्या करते हो? बुलाते हो. छोटे बच्चे, जब भी तुम मुझे देखते हो तो तुम मुझे क्या करते हो? बुलाते हो. The poet name is Mumtaz Ahmed. ओके, फिर से हम एक बार पोयम को रीड करेंगे. यू विल सी मी जस्ट लाइक अ बॉल स्टार्ट फाइंडिंग मी इन द टॉल ट्रीज. जब तुम मुझे देखते हो तो मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल गेंद की तरह दिखता हूँ. और तुम मुझे स्टार्ट फाइंडिंग यानी कि तुम मुझे ढूंढने लगते हो पेड़ों पर बड़े बड़े. यू विल बी हेल्दी इन लाइफ योर ऑल. और तुम अपने जीवन में स्वस्थ रहोगे कब? जब तुम मुझे रोज इन द मॉर्निंग ईट मी थिंक नॉट मी स्मॉल. और तुम जब मुझे रोज सुबह मॉर्निंग में खाओगे तब तुम स्वस्थ रहोगे. और तुम मुझे छोटा मत समझो. यू फाउंड मी ओ चाइल्ड स्मॉल. तुमने मुझे पाया है छोटे बच्चे. और जब भी तुम मुझे देखते हो तो तुम मुझे बुलाते हो. ओके, सो द एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर. एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे. पेज नंबर 90 पर ऊपर टॉप पर देख रहे हैं. आज का होमवर्क है आपका, सबसे पहले वर्ड मीनिंग राइट करेंगे, देन उसके बाद 2 or 3 times पोयम रीड करेंगे घर पे. ये आपका होमवर्क है. अब हम एक्सरसाइज देखेंगे. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, एन एप्पल इज लाइक अ डैश बैट बॉल टॉल. आंसर इज बॉल. सेकेंड, एन एप्पल कुड बी फाइंड ऑन द डैश. क्या हम एप्पल को कहाँ ढूंढते हैं? प्लांट फ्लावर ट्रीज. द आंसर इज प्लांट, पेड़ पर. An apple makes us dash healthy weak sick. The answer is healthy. Apple हमें क्या बनाता है? Healthy, स्वस्थ बनाता है. An apple should be eaten in the dash evening morning noon. The answer is morning. हमें morning में apple खाना चाहिए. B, write T for true or F for false. First, an apple is just like a football. False. Apple is like a ball. Second, an apple is very useful for everyone. Yes, true. थर्ड, द कलर ऑफ एन एप्पल इज ऑरेंज. फॉल्स. ऑरेंज कलर किसका रहता है? ऑरेंज का. ओके, एप्पल का रेड कलर होता है. फोर्थ, एन एप्पल मेक्स अस हेल्दी. ट्रू. एप्पल हमें स्वस्थ बनाता है. राइट,
तो सी क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे, वर्ड मीनिंग और पोयम रीड करना। थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास, हैव अ ग्रेट डे चिल्ड्रेन।